श्योपुर में गरीबों के हिस्से के गेहूं चावल की जमकर कालाबाजारी हो रही है, तो वहीं गरीबों के हिस्से का निवाला छीनकर मोटे साहूकार अपना पेट भर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद है। देखें ये खास रिपोर्ट। श्योपुर में प्रशासन ने जमाखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। देर रात सूचना मिलने पर तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाहा अपनी टीम के साथ छापामार कार्यवाही करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा 407 में 130 चावल के कट्टे और व्यापारी के गोदाम से 54 चावल के कट्टे जब्त किए। तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाहा और खाद्य अधिकारी लवली गोयल ने तत्काल कार्यवाही करते हुए गोदाम को सील कर दिया। कार्यवाही में जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर दैनिक भास्कर लिखा हुआ है। इसमें जो हमने जो ट्रक है, हमारा ट्रक का जो नंबर है वो टाटा 407 MP33G0870 है। इसमें 120 बैग चावल के हाथ से सिले हुए प्रत्येक लगभग 50 केजी के पाए गए हैं। इसके अलावा जो सलापुरा नगर स्थित चिंताहरण हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने एक मकान है जो कि रणवीर कुशवाहा के नाम से बताया गया है, जो किराए से सिर्फ चरण बंसल जी ने लिया है। उसमें करीब 54 बैग चावल के मिले हैं, वही चावल के हाथ से सिले हुए हैं और वो लगभग 50 केजी के वजन होंगे। मैडम पहले भी कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ। हाँ, तो 14 दिन तक गाड़ी खड़ी भी की है इसके। हाँ। उसके बाद भी इसमें कोई ठोस कार्रवाई की नहीं गई। ठोस कार्रवाई इसीलिए नहीं की गई थी क्योंकि जो कंडिका वगैरह जो लगाई जाती हैं इस पर वो नहीं मिली थी उतनी जितनी लगाई जाती है। बट इस बार इन्हें आदतन ये काम दोबारा किया गया है, तो डेफिनेटली। मैडम ये जांच की गई थी क्या पहले, ये कहां से आया है माल? आपको बता दें कि जिस व्यापारी पर कार्यवाही की गई वह कामाख्या ट्रेडर्स के नाम से कार्य करता है और पूर्व में भी यह व्यक्ति इस तरह की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जा चुका है, लेकिन प्रशासन से सांठगांठ के कारण उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में उक्त व्यापारी पर कितनी सख्ती दिखाता है। श्योपुर से MP News के लिए परम जाट की रिपोर्ट।